पहला सवाल आपका जो है एसेशन, देखिएगा फोटोसिंथेसिस इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर अस, यू नो मच बेटर अबाउट इट, फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर अस फॉर प्रोवाइड फूड एंड ऑल्सो ऑक्सीजन. तो ऐसा ही कुछ हमारे रीजन में आपको दिख रहा है कि फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ. फोटोसिंथेट जो कुछ बन के आया है वो, या यूं कहें कि फोटोसिंथेसिस जो है ये प्राइमरी सोर्स है किसके लिए, भोजन के लिए बड़ा मुख्य सोर्स है. फोटोसिंथेसिस इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर. तो यू नो मच बेटर अबाउट दैट कि फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी एज वेल एज ऑक्सीजन. तो आंसर ना डी हो सकता है, ना सी हो सकता है, ना बी हो सकता है. तो वन एंड ओनली आंसर इज ए, बिकॉज बोथ द सेंटेंसेस आर करेक्ट एंड वेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच अदर. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, assertion CO2 is required for photosynthesis. CO2 is required for photosynthesis. Sentence is 2. You know much better about that. In the direct reaction it is very important part because carboxylation is the most crucial step of the Kelvin cycle. Correct. Chali, reason. In half-life experiment the exposed part of the leaf test is positive for the starch while the portion that was in the tube tested negative for the starch. तो आप जानते हैं कि negative test किसके लिए आएगा, वो part leaf का जो test tube के अंदर था, क्योंकि उसमें starch बना ही नहीं, क्योंकि उससे CO2 मिला ही नहीं. और वो part जो test tube के बाहर था उससे CO2 से मुलाकात हुई, starch बना, iodine के साथ जब test कराया तो वो positive test दे रहा है क्योंकि वो iodine स्टार्च कॉम्प्लेक्स बनाएगा जो कि ब्लू कलर का होता है, ध्यान रखिएगा. तो आई थिंक आंसर इज ए. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, assertion जॉन इंजन हाउस शोज दैट सनलाइट इज एसेंशियल टू द प्लांट प्रोसेसेस दैट सम हाउ प्यूरिफाई द एयर. आप जानते हैं कि जॉन इंजन हाउस साहब ने बताया कि जो सनलाइट है ये बहुत जरूरी है प्लांट के लिए, जिससे जिसकी मदद से वो एयर को प्यूरिफाई करता है, या यूं अगर मैं बात करूं कि बना हुआ CO2 को वो O2 में कन्वर्ट करता है, ऐसी बात करें अपने शब्दों में. अगर आप रीजन पे जाएं तो जॉन इंजन हाउस शोज दैट इट इज ओनली द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन. तो इंजन हाउस साहब ने एक और स्टेटमेंट कहा कि ग्रीन पार्ट ही प्लांट का ऑक्सीजन रिलीज कर सकता है, यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो उन्होंने कहा कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन पार्ट में हो सकती है. लेकिन आप देखिए assertion और रीजन का कोई आपस में ताल्लुक नहीं है, बोथ द सेंटेंसेस आर ट्रू, सो आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ग्लूकोज इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग प्लांट ग्रोथ. आप समझने की कोशिश करिएगा, जब भी कभी हम प्लांट ग्रोथ की बात करते हैं तो ग्लूकोज की सिंथेसिस बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बिना इसके ग्रोथ सोच पाना बड़ा मुश्किल है. आप एक दूसरे शब्दों में बात करें कि रीजन में जाएं, जे वॉन सैच, आपने हाइड्रोपोनिक्स भी याद रखिएगा, वही ये वॉन सैच साहब हैं, प्रोवाइडेड द एविडेंस दैट ग्लूकोज इज सिंथेसाइज इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट ग्लूकोज इज यूजली स्टोर्ड एज स्टार्च. उन्होंने कहा कि जो भी ग्लूकोज बना है ग्रीन पार्ट में, यह ग्लूकोज स्टोर हो जाता है स्टार्च में, बिकॉज स्टार्च इज ऑस्मोटिकली इनएक्टिव, ट्रांसपोर्ट होता है ग्लूकोज का टू द फॉर्मेशन ऑफ सुक्रोज, और सुक्रोज के क्योंकि केमिकली सुक्रोज इनर्ट होता है, याद रख लीजिएगा. तो तीनों के अलग अलग रीजन हो सकते हैं. तो आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 5, लाइट रिएक्शन आर डायरेक्टली लाइट ड्रिवन. मैं फिर से बोल दे रहा हूं, लाइट रिएक्शन आर डायरेक्टली लाइट ड्रिवन. आप जानते हैं जो लाइट रिएक्शन है वो तो डायरेक्टली डिपेंड होती ही है लाइट के ऊपर. सेंटेंसेस टू, अच्छा रीजन पे जाएं, डार्क रिएक्शन आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन बट आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन. आप जानते हैं कि डायरेक्ट रिएक्शन लाइट रिएक्शन पे तो डिपेंड नहीं करती, लेकिन लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे डिपेंड करती है. उनका प्रोडक्ट क्या होता है, ATP एंड NADPH2, और इसी ATP और NADPH2 का एक और नाम है एसिमिलेटरी पावर, और इसी ATP और NADPH2 का इस्तेमाल करके केल्विन साइकिल ऑपरेट होती है, डार्क रिएक्शन ऑपरेट होती है. एक ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए 18 मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड 12 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 शुड बी यूटिलाइज्ड, यू नो मच बेटर अबाउट इट. चलिए तो आंसर इज बी, आपस में कोई रिलेशन नहीं है, आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 6,
मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम. आप सब लोग जानते हैं कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस रेड लाइट और ब्लू लाइट में होती है, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है इसमें. रीजन, फोटोसिंथेसिस अब्सॉर्ब्ड ओनली ब्लू एंड रेड स्पेक्ट्रम ऑफ द वेवगोर. ये सेंटेंस गलत है. ओनली की वजह से ये आपका सेंटेंस गलत हो गया. लगभग सारे के सारे वेवलेंथ ऑफ द वेवगोर में अब्जॉर्प्शन होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, मिनिमम ग्रीन में होती है. बट याद रखें कि होती है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सिर्फ इन दोनों में होती है. मैक्सिमम का मतलब और भी मुझे थोड़ा थोड़ा होता होगा. तो आपका रीजन जो है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा और एसर्शन सही होगा. तो आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 7, लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस बिलोंग टू फोटोकेमिकल फेज. मतलब इसमें लाइट का इस्तेमाल करके बहुत सारी प्रक्रियाएं करी जाती हैं लाइट रिएक्शन में. तो सिंपल सा स्टेटमेंट हो गया हमारी कि लाइट रिएक्शन जो है वो फोटोसिंथेसिस की फोटोकेमिकल फेज है, जिसमें लाइट का कंजप्शन होता है, लाइट का इस्तेमाल करते हैं, लाइट की मौजूदगी में होता है. अगर आप इसके रीजन पे जाएं तो दे इंक्लूड लाइट एब्जॉर्प्शन, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर स्प्लिटिंग विद हेल्प ऑफ मैग्नीशियम एंड क्लोराइड इन द ल्यूमेन ऑफ थैलाकोइड, ऑक्सीजन रिलीज एंड द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एनडीपीएस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ एसिमिलेटरी पावर. तो जब हम लाइट रिएक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लाइट के अब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, वाटर स्प्लिटिंग की बात करते हैं, तो फॉर गेटिंग द इलेक्ट्रॉन टू कंपनसेट द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द PS1, आर यू गेटिंग? ओके, ऑक्सीजन रिलीज्ड एंड द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड एनडीपीएच. चलिए, तो इसका आंसर आप अगर सोचें तो आंसर इज ए होगा, क्योंकि दोनों बातों का एक दूसरे में बड़ा तगड़ा कोरिलेशन है. क्वेश्चन नंबर 8, एसर्शन पढ़ते हैं. एलएचसी आर मेड अप ऑफ 100 ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल बाउंड टू प्रोटीन्स. आपने लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पढ़ा होगा और उस लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कई सौ मॉलिक्यूल हो सकते हैं. लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल को छोड़ करके बाकी सारे के सारे पिगमेंट्स, यानी सारे के सारे आपके जो भी पिगमेंट्स हैं उनको मिला दिया जाए तो वो एलएचसी की बात करते हैं. और उन्हें एक और नाम देने हैं, एंटीना भी नाम देते हैं. तो इनके रीजन को पढ़ते हैं. ईच फोटोसिस्टम हैज ऑल द पिगमेंट फॉर्मिंग एलएचसी आल्सो कॉल्ड एंटीना. क्या ये सेंटेंस सही है? जी नहीं, ये सेंटेंस सही नहीं, ये सेंटेंस गलत हो गया. क्यों? एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल है, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल को छोड़ बाकी सारे के सारे पिगमेंट्स होते हैं और उन्हें एलएचसी कहते हैं. तो आंसर इज सी, बिकॉज एसर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 9, एसर्शन जेड स्कीम इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली रिड्यूसेस एनएडी टू एनएडी एच प्लस एच प्लस. आप जानते हैं कि जेड स्कीम में ऐसा कुछ नहीं होता, यस या नो? क्योंकि उसमें एनएडी पे किस बात करते हैं, याद आ रहा है? ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं होती. अगर आप रीजन पे NADPH2 की बात करते हैं, अगर आप रीजन पे जाएं तो द इलेक्ट्रॉन नीडेड टू रिप्लेस दोज रिमूव फ्रॉम PS2 आर प्रोवाइडेड बाय PS1. आंसर प्लीज. तो जो भी इलेक्ट्रॉन PS2 से निकल गया, क्या वो इलेक्ट्रॉन PS1 से कंपनसेट किया जाएगा? जी नहीं, दिस इलेक्ट्रॉन शुड बी कंपनसेटेड वाया फोटोलिसिस ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, याद रख लीजिएगा. तो आंसर इज डी इज देयर. एनी कंफ्यूजन इज देयर? क्वेश्चन नंबर 10, एसर्शन, बहुत अच्छा सवाल है. स्ट्रोमा लैमेली आर इन्वॉल्व्ड ओनली इन द सिंथेसिस ऑफ एटीपी बट नॉट NADPH2, व्हाई? सिंपल सी बात है कि NADPH2 का इन्वॉल्वमेंट यहां नहीं हो रहा है. इसका मतलब मेरे मन में एक बात आती है कि PS1 स्ट्रोमा लैमेली में एब्सेंट होगा, NADPH2 नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब NADP रिडक्टेज एंजाइम एब्सेंट होगा. आप सब लोग जानते हैं कि स्ट्रोमा लैमेली में PS1 भी एब्सेंट होता है और सॉरी PS1 ही प्रेजेंट होता है ओनली एंड PS2 एब्सेंट होता है. अच्छा, PS2 एब्सेंट होता है, साथ ही साथ NADP रिडक्टेज एब्सेंट होता है. यानी इसका रीजन पढ़ लेते हैं. स्ट्रोमा लैमेली हैज PS1 ओनली, दे लैक PS2 एज वेल एज NADP रिडक्टेज एंजाइम. एंड इफ द NADP रिडक्टेज एंजाइम इज एब्सेंट, तो आप जानते हैं कि यहां पे हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? ATP. एक बात, इसको हम अपने सेंटेंस को और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं. अगर आपको मैं याद दे रहा हूं तो जब PS1 होता है तो सिर्फ साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन होता है और साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन में सिर्फ PS1 का इन्वॉल्वमेंट होता है, उसमें सिर्फ ATP बनता है, उसमें इलेक्ट्रॉन के इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर की कोई जरूरत नहीं होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं होता है.
समझ पा रहे हैं? अगर आप नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन में जाने की कोशिश करेंगे, नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन में जाने की कोशिश करेंगे, तो आप समझिएगा कि वहां पे एटीपी और एनएडीपीएस2 दोनों का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि पीएस1 और पीएस2 दोनों हैं, और अगर पीएस1 और पीएस2 दोनों हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की जरूरत ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक बार सर्कुलेशन में आता है तो दोबारा आगे चला जाता है, वापस लौट के नहीं आता, तो बार बार इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, बार बार इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है। इस वजह से एटीपी और एनएडीपीएस2 के फॉर्मेशन के लिए, जेड स्कीम के कंटिन्यूएशन के लिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, और फोटोलिसिस आप वाटर कराते रहते हैं। समझ पा रहे? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 11, कीमोऑस्मोसिस रिक्वायर्स ए मेम्ब्रेन, ए प्रोटॉन पंप, ए प्रोटॉन ग्रेडियंट एंड एटीपेज एंजाइम। चलिए तो ये सेंटेंस आपका सही होगा, कीमोऑस्मोसिस थ्योरी गिवन बाय पीटर मैकेली टू एक्सप्लेन द हाउ प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप एंड हाउ एटीपी आर फॉर्म्ड। ये आप पूरी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। इसके रीजन पे जाते हैं। एटीपी सिंथेस एंजाइम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दैट इज CF0 एंड CF1 या CF0 एंड CF1। आंसर इज बी विदाउट एनी एक्सेप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, द यूज ऑफ रेडियो एक्टिव कार्बन 14 बाय केल्विन इन एल्गल फोटोसिंथेसिस स्टडीड डिड लीड टू द डिस्कवरी ऑफ कंप्लीट बायोसिंथेटिक पाथवे। आप जानते हैं कि केल्विन साहब ने इस्तेमाल करते हुए बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सारी चीज़ें, और ये बताया कि किसके बाद किस स्टेप्स के बाद कौन सा सबस्टेंस बन रहा है, कौन सी चीज़ें बन रही हैं, पीजीए कब बन रहा है, ट्रायल्स फॉस्फेट कब बन रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम REMP कब बना, सब कुछ डिटेल में बता दिया वाया यूज ऑफ। तो कार्बन एसिमिलेशन के लिए बाद में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला 1961 में, मेलन केल्विन साहब को। ऑल ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट है PGA एज अ फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द CO2 फिक्सेशन। ऐसा नहीं है, सारे के सारे में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोग जानते भी हैं कि और भी प्लांट्स हैं जिनमें CO2 फिक्सेशन की बात करते हैं, वहाँ PGA नहीं बनता, वहाँ OAA बनता है, करेक्ट? तो ये हर जगह सही नहीं है। तो 12 का आंसर assertion इज करेक्ट एंड रीजन इज फॉल्स, आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 13, C3 साइकिल इज मस्ट प्रोसेस फॉर ऑल द C3 प्रोसेस इज मस्ट प्रोसेस फॉर ऑल द फोटोसिंथेटिक प्लांट्स, सारे के सारे प्लांट में पाई जाएगी, रदर इट इज C3 और C4। मतलब सेंटेंस में कह रहे हैं कि कोई भी प्लांट हो, चाहे C3 हो चाहे C4 हो, कोई भी प्लांट हो, हर प्रकार के फोटोसिंथेटिक प्लांट में केल्विन साइकिल पाई जाएगी। आप जरा रीजन देखें तो केल्विन पाथवे अकर्स इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट, इट डज नॉट मैटर वेदर दे हैव C3 और C4 और एनी अदर पाथवे। आपको सबको पता है कि दोनों में से कुछ भी हो, हमेशा और हमेशा और हमेशा फोटोसिंथेसिस में केल्विन साइकिल होती है। तो आंसर इज डॉक्टर साहब ए, बिल्कुल। डॉक्टर साहब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। रिडक्शन रिएक्शन फुलफिल्स वन ऑफ द डिमांड ऑफ द प्लांट सेल्स। रिडक्शन रिएक्शन फुलफिल्स वन ऑफ द डिमांड ऑफ द प्लांट सेल। अब इस चीज को समझिएगा कि रिडक्शन रिएक्शन जो होती है ये प्लांट की डिमांड को पूरा करती है। किस फॉर्म में, आप समझिए, जब आप केल्विन साइकिल की बात करते हैं ना, तो केल्विन साइकिल में आपके पास तीन स्टेप्स होते हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। रिडक्शन ही वो प्रोसेस है जिसमें हम ग्लूकोज के फॉर्मेशन की बात करते हैं। पीजीए से लेकर के आप पूरा आगे तक बढ़ जाइए, आपको लास्ट में ट्रायल्स फॉस्फेट के बाद ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल कराते हुए पूरा का पूरा आप ले जाके पीजीएल को इंट्रोड्यूस करा के ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो रिडक्शन रिएक्शन ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है ग्लूकोज के फॉर्मेशन के लिए। तो जो भी प्लांट की डिमांड थी उसको किसने पूरा किया? रिडक्शन रिएक्शन ने। रिडक्शन रिएक्शन में क्या हुआ ये आपके मन में आना चाहिए कि भैया इसमें ढेर सारी सीरीज ऑफ रिएक्शन में हमको क्या मिला है? ग्लूकोज। तो आप जब भी आप केल्विन साइकिल पढ़ते होंगे तो आपके जो टीचर्स, आपने पढ़ा होगा अच्छे से कि ट्रायल्स फॉस्फेट से लास्ट में क्या बन जाता है हमको? ग्लूकोज। दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल एंड इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ रिडक्शन। आइए इसके रीजन पे जाते हैं। तो रिडक्शन रिएक्शन आर सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। हमें लगता है आसानी के साथ कर सकते हैं, दो PGL मॉलिक्यूल क्या बना देते हैं? एक ग्लूकोज। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, बेसिक पाथवे दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ शुगर द केल्विन साइकिल इज कॉमन टू द C3 एंड C4 प्लांट। आप जानते हैं कि दो के दोनों प्लांट में, चाहे C3 हो चाहे C4, दोनों में केल्विन साइकिल होती है, बट C3 प्लांट में केल्विन साइकिल मेसोफिल सेल में होती है और C4 प्लांट में केल्विन साइकिल बंडल सी सेल में होती है।
केल्विन पाथवे अकर्स इन मेजोफिल सेल्स ऑफ द ऑल द फोटोसिंथेटिक प्लांट, ये गलत है क्योंकि केल्विन साइकिल C3 में, मेजोफिल और C4 में बंडल सीथ. तो सी आंसर इज सॉरी रीजन इज रॉन्ग, एसर्शन इज ट्रू, आंसर इज सी. बेटा यहाँ कॉन्सेप्ट है आना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 16, एसर्शन प्लांट हैव OAA एज द फर्स्ट, OAA एज द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट, यूज द C3 पाथवे एज द मेन बायोसिंथेटिक पाथवे. कोई दिक्कत तो नहीं है सेंटेंस में, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखनी है आपको. बट अगर इन पे रीजन पे जाएं, द बंडल सीथ सेल ऑफ द कनेज एनाटॉमी एग्जिबिटिंग प्लांट मे फॉर्म सेवरल लेयर अराउंड द वैस्कुलर बंडल, तो हमें लगता है ये भी एक प्रकार का एडॉप्टेशन है C4 प्लांट के लिए. तो आई थिंक आंसर इज बी, कोई अलग से बात नहीं है. बट अभी थोड़ा सा आगे भी है, उस पर भी बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 17, यहीं पे हम थोड़ा सा ये वैस्कुलर बंडल के बारे में और बात कर पाएंगे. तो क्वेश्चन नंबर 17 में असर्शन, फोटो रिस्पिरेशन इज ऑलमोस्ट अब्सेंट इन बंडल सीथ सेल ऑफ द C4 प्लांट. आप जानते हैं कि फोटो रिस्पिरेशन ना के बराबर होता है, क्योंकि यही C4 प्लांट और C3 प्लांट का मेजर डिफरेंस है. एक लाइन में जो NCERT ने पूछा था और ये लिखा भी NCERT में. अच्छा ऐसा क्यों होता है, तो रीजन क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द बंडल सीथ सेल आर एग्रेनल, ये तो एक बड़ी बात अपने आप में हो गई. दूसरा दीज सेल्स हैव थिक वॉल एंड डू नॉट हैव इंटरसेलर स्पेसेस. थिक वॉल होगा यानी गैस एक्सचेंज बड़ा मुश्किल से हो पाएगा और इंटरसेलर स्पेसेस नहीं होंगे. एक बात और समझिएगा, रुबिस्को और पेप्टेस का पार्टीशन कर दिया गया, रुबिस्को को बाहर रखा ही नहीं गया जहां पे ऑक्सीजन है, यानी जहां ऑक्सीजन होगा वहां रुबिस्को नहीं होगा, जहां रुबिस्को होगा वहां ऑक्सीजन नहीं होगा. बाहर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी थी तो वहां पे पेप्टेस को डाल दिया उठा के. तो ये एक प्रकार का बेहतरीन एडॉप्टेशन है. एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट का होना अपने आप में बड़ी बात है, थिक वॉल्ड का होना, ढेर सारी लेयर सेवरल लेयर्स का होना, थिक वॉल्ड सेवरल लेयर्स, नो गैसेस एक्सचेंज, इंटरसेलर स्पेसेस, एंड रुबिस्को का अंदर उठा के डाल देना. कहाँ, कौन से सेल में, बंडल सी सेल में. ये सारा का सारा फोटो रिस्पिरेशन ना होने की बात को दर्शाता है. तो आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 17, एंजाइम नीडेड इन कार्बोक्सिलेशन कैन बाइंड टू बोथ CO2 एंड O2. जब भी कभी हम बात करते हैं कार्बोक्सिलेशन की, तो जिस एंजाइम का इस्तेमाल किया गया है वो एंजाइम CO2 से भी जुड़ सकता है और O2 से भी जुड़ सकता है. वो एंजाइम है कौन, जरा इतना इशारे में बोलने से अच्छा है नाम बता दीजिए, रुबिस्को. ठीक है, ध्यान रखिएगा एंजाइम. अब इसके रीजन पे आइए, तो हमारा एसेसन सही है. प्लांट हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद द फोटो रिस्पिरेशन ड्यूरिंग देयर फूड सिंथेसिस. भोजन बनाते समय, इवन खाते समय कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, यहाँ तो बनाने की बात है. तो फूड सिंथेसिस के समय कॉम्प्रोमाइज जैसी कोई बात नहीं होती, तो अगर कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो फोटो रिस्पिरेशन से काफी नुकसान हो जाएगा. तो आंसर इज सी. अगला सवाल 19 नंबर, एसर्शन रुबिस्को हैज मच ग्रेटर एफिनिटी फॉर CO2 देन O2. आप जानते हैं कि CO2 के प्रति बहुत ज्यादा एफिनिटी होती है इन काइंड ऑफ इन कंपेरेटिव टू ऑक्सीजन. ऐसा क्यों होता है, या ऐसी कौन सी, ऐसा क्यों होता है ये तो यहां नहीं बात करी गई, लेकिन रीजन में दिया गया है कि दिस बाइंडिंग इज कंपेटिटिव. और हमें लगता है ये आसान सा स्टेटमेंट है, जिसको मौका मिल गया, जिसने कॉम्पिटिशन को वीट कर लिया वो जाके जुड़ गया. दिस इज मे बी समटाइम्स O2 जुड़ जाए, समटाइम्स CO2 जुड़ जाए. रुबिस्को के पास दो दो एक्टिव साइट्स होती है, याद रखिएगा. ठीक है, दोनों के लिए. तो यहां पे आंसर बी होगा, CO2 से भी जुड़ सकता है, O2 से भी जुड़ सकता है. कंडीशन किसके लिए फेवरेबल है ये इंपॉर्टेंट है. कब O2 CO2 को कंप्लीट करेगा ये भी कंडीशन पे डिपेंड करेगा, और कब CO2 O2 को कंप्लीट करेगा ये भी कंडीशन पे डिपेंड करेगा. तो आंसर इज बी. क्वेश्चन नंबर 20, C4 प्लांट सो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. C4 प्लांट सो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट हाई टेम्परेचर. आप जानते हैं कि हाई टेम्परेचर पे भी फोटोसिंथेसिस कर लेता है कौन, C4 प्लांट. व्हाइल C3 प्लांट हैव मच लोअर टेम्परेचर, ये कम टेम्परेचर ही इसके लिए ऑप्टिमम होता है, लगभग 30 से 35 के आसपास अगर हम बात करें तो C4 के लिए. रीजन, इन कंपेरिजन टू लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन आर मोर सेंसिटिव टू टेम्परेचर. ये सवाल बहुत कुछ कह रहा है सारे में, आप समझिएगा. इन कंपेरिजन टू लाइट रिएक्शन, देखिए पहली बात तो मैं बता दूं, C3 और C4 दोनों में केल्विन साइकिल होती है, इसलिए ये रीजन नहीं होगा. लेकिन सेंटेंस पहला सही है, दूसरा देखते हैं. कह रहे हैं लाइट रिएक्शन के कंपेयर में डार्क रिएक्शन बहुत जल्दी टेम्परेचर से प्रभावित हो जाती है. ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता दूं, क्योंकि टेम्परेचर जो है, जो डार्क रिएक्शन है, ये एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, और एंजाइम टेम्परेचर से बहुत जल्दी डिनेचर्ड हो जाता है. हमने आपको पढ़ाया था कि एंजाइम बहुत जल्दी अफेक्टेड हो जाते हैं टेम्परेचर से, 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास. जैसे मैंने इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और एंजाइम के बीच में जो डिफरेंस की बात करी थी, तब मैंने आपको बताया था.
तो लाइट रिएक्शन के कंपेयर में डार्क रिएक्शन टेम्परेचर से ज्यादा संवेदनशील होती है, क्योंकि उसमें डार्क रिएक्शन में एंजाइम की वजह से डार्क रिएक्शन ड्राइवन होती है, डार्क रिएक्शन चल रही होती है। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा तो एंजाइम यानी कि प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाएगा और डार्क रिएक्शन रुक जाएगी। तो इट इज ऑल अबाउट फॉर योर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। एसेशन रीजन पे फोकस करके पढ़ते रहें, अच्छे से चारों ऑप्शन को देख के समझ के। फिर मैं कह रहा हूं, अगर सवाल एसेशन रीजन का कोई आपको नहीं आता है तो तुक्का लगाने की कोशिश ना करिएगा। थैंक यू।